अभी हम लोग ने टेंजिबल हेरिटेज साइड इंडिया में देखी, अभी हम लोग इंडिया में कुछ इनटेंजिबल हेरिटेज देखने वाले हैं. इनटेंजिबल मतलब जिसमें आर्ट के फॉर्म होंगे, डांस, म्यूजिक या फिर कुछ ट्रेडिशंस, फेस्टिवल, ये सब होंगे. तो पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसके बारे में, और बाद में मैं आपको कुछ उसके पिक्चर्स दिखाऊंगा. अभी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है. देखो, कुट्टियम, कुट्टियतम, ये एक इनटेंजिबल हेरिटेज माना जाता है इंडिया में, जो कि केरला में परफॉर्म किया जाता है. अभी क्या है, ये एक संस्कृत थिएटर है. थिएटर मतलब यहाँ पे एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मराठी मध्ये आपण ज्याला बोलतो नाटक, सो कुट्टियतम करके संस्कृत में एक यहाँ पे एक्ट परफॉर्म किया जाता है. और ये जो एक्ट है वो इनका एक लिटरेचर है, संस्कृत लिटरेचर. साउथ के लोगों का एक लिटरेचर होता है, संगम लिटरेचर. फॉर एग्जाम्पल हमारा कैसा महाभारत है, रामायण है वैसे, या फिर हमारे यहाँ पे वेदास है, अलग अलग आयुर्वेदा, अथर्व वेदा वगैरह वगैरह. तो वहां पे है ना संगम करके एक लिटरेचर होता है जो कि बहुत पुराना लिटरेचर है. तो केरला में संगम लिटरेचर में जो भी स्टोरीज है वो स्टोरीज को यहाँ पे कुट्टियतम में परफॉर्म किया जाता है. तो समझ में आया कुट्टियतम क्या है? केरला में संगम लिटरेचर में जो भी स्टोरीज है उसको यहाँ पे एज अ एक्ट जी परफॉर्म किया जाता है, तो उसको बोला जाता है कुट्टियतम. द सेकेंड इज वैदिक चैंटिंग. वैदिक चैंटिंग सबको पता होगा, हमारे जो भी वेदास है उसमें अलग अलग संस्कृत के श्लोक दिए गए. जो भी ब्राह्मण लोग है वो इनको अलग अलग रिचुअल्स में यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे शादी वगैरह भी होती है तो भी अलग अलग संस्कृत के श्लोक्स वगैरह यूज किए जाते हैं. तो वैदिक चैंटिंग ये हमारे यहाँ पे एक सेकेंड इनटेंजिबल हेरिटेज माना जाता है. थर्ड वन इज रामलीला. रामलीला जो है वो मेनली परफॉर्म किया जाता है उत्तर प्रदेश में. रामलीला सबको पता है, नथिंग न्यू इन दिस. जो रामायण करके एपी के हम लोग यस क्या कहते सर, हैं, रामायण माइथोलॉजी, उसको एज अ एक्ट परफॉर्म किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामलीला. उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं क्योंकि यू पीपल नो अबाउट दैट. द नेक्स्ट वन इज रम्मन. रम्मन जो है वो उत्तराखंड में, उत्तराखंड एक स्टेट है इंडिया में हिमालयस के पास, वहां पे गढ़वाल करके एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये परफॉर्म किया जाता है. अभी ये जो रम्मन है वो क्या है, उत्तराखंड में गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में है ना, वहां पे कुछ पर्टिकुलर ट्राइब्स के लोग हैं जो अपने फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं ना देवता वगैरह रहते हैं, तो उनके कुछ अलग देवता है. फॉर एग्जाम्पल उनका नाम जो है वो है भूमियाल देवता. तो रम्मन जो है वो गढ़वाल के कुछ ट्राइब्स का एक देवता है, भूमियाल देवता. उनको डेडिकेशन में वहां पे एक फेस्टिवल, एक रिचुअल होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रम्मन, जो कि गढ़वाल उत्तराखंड में परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट वन इज देखो कालबेलिया. कालबेलिया जो है वो राजस्थान में परफॉर्म किया जाता है. अभी ये क्या होता है, सॉन्ग्स गाए जाते हैं इसमें, डांस किया जाता है. क्यों, राजस्थान में एक ट्राइब है जो कि ट्राइब है ना, जो कि स्नेक्स स्नेक्स होते हैं ना, स्नेक्स को पकड़ने का काम करती है, और उनमें का जो जहर होता है वेनम उसको निकाल के उसको ट्रेड करने का, बेचने का वगैरह काम करती है ये ट्राइब. तो ये जो ट्राइब है राजस्थान में वो ये फेस्टिवल मनाती है कालबेलिया, जिसमें वो लोग सॉन्ग्स एंड डांस परफॉर्म करते हैं. तो ये एक इंडिया में इनटेंजिबल हेरिटेज है. नेक्स्ट वन इज चाउ डांस. चाउ डांस जो है वो ईस्टर्न इंडिया में, ईस्टर्न इंडिया मतलब बंगाल, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड या फिर बिहार, ये साइड में है ना, चाउ डांस करके एक परफॉर्म किया जाता है. अलग अलग ट्राइब के लोग होते हैं. अभी इसमें क्या किया जाता है, रामायण, महाभारत या फिर हम लोग के जो भी माइथोलॉजिकल स्टोरीज है उसको एक्ट किया जाता है, उसका एक्ट या फिर उसको डांस परफॉर्म करके, डांस में उसको डिस्क्राइब किया जाता है डांस करके. तो दिस इज कॉल्ड एज चाउ डांस, जो कि ईस्टर्न इंडिया में परफॉर्म किया जाता है. रामायण एंड महाभारत को डांस के तरीके से वो लोग एक्सप्लेन करते हैं. नेक्स्ट वन इज मुडियत. अभी मुडियत जो है वो केरला में परफॉर्म किया जाता है. केरला सबको पता है, साउथ इंडिया में केरला. हम लोग ने केरला में पहला क्या देखा यस था, सर, कुट्टियतम. तो यहाँ पे दूसरा क्या है, मुडियत. अभी मुडियत में क्या किया जाता है, काली माता आपको पता होगा, काली एक गॉडेस है इंडिया में हिंदू रिलीजन में. तो उनके अलग अलग स्टोरीज को यहाँ पे एक्ट करके, थिएटर मतलब एक्ट करके, नाटक करके एक्सप्लेन किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज मुडियत. ठीक है. द नेक्स्ट वन इज बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख. रिसाइटेशन ऑफ सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन द
ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख रीजन आपको पता होगा, अभी पहले के टाइम पे, जब के टाइम पे आपका बुक प्रिंट हुआ था तभी के टाइम पे जम्मू कश्मीर के अंदर आता था लद्दाख, लेकिन अभी इंडिया का मैप चेंज हो गया है, लद्दाख को अलग कर दिया गया है और जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया। तो लद्दाख इज अ यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। वहाँ पे बुद्धिस्ट लोग बहुत सारे रहते हैं, उन लोग के कुछ सेक्रेट टेक्स्ट है, जैसे हमारे यहाँ पे वेदास है वैसे उनके अलग अलग पुराने टेक्स्ट होते हैं जिनमें जो भी श्लोक्स दिए होते हैं उनको वो चांटिंग, मतलब उनको प्रे किया जाता है, उनको टेक्स्ट को रीड करके प्रे किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज बुद्धिस्ट चांटिंग ऑफ लद्दाख। ये भी हमारे यहाँ पे एक इंटेंजिबल हेरिटेज है। द नेक्स्ट वन इज सन कीर्तना, जो कि मणिपुर में परफॉर्म किया जाता है। अभी इसमें क्या होता है, सिंगिंग होता है या फिर ड्रमिंग, ड्रमिंग मतलब तबला वगैरह बजाया जाता है। और इसमें क्या होता है, भगवान कृष्ण इनकी अलग अलग स्टोरीज गाने के फॉर्म में, मतलब सिंगिंग के फॉर्म में लोगों को बताई जाती है। तो दिस इज कॉल्ड एज सन कीर्तना विच इज परफॉर्म्ड इन मणिपुर। मणिपुर इज अ नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया। नेक्स्ट वन इज ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स ऑफ ब्रास एंड कॉपर अमोंग द हथेरास ऑफ जांदियाला गुरु पंजाब। अभी पंजाब में एक पर्टिकुलर ट्राइब है, हथेरास ऑफ जांदियाला गुरु, वो लोग क्या करते हैं, क्राफ्ट यूटेंसिल्स बनाते हैं ब्रास और कॉपर का यूज करके। यूटेंसिल्स मतलब भांडी, भांडी को बनाते हैं, यूटेंसिल्स बनाते हैं। और उनका जो आर्ट है उसको भी इनटेंजिबल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड किया गया। नेक्स्ट वन इज योगा। अभी योगा जो है वो सबको पता है, योगा में क्या किया जाता है, हमारे वेदास में अलग अलग योगा के बारे में कुछ तो इंफॉर्मेशन दी गई है। तो योगा जो है वहाँ पे एक्सरसाइज का फॉर्म है एक, जो कि इंडिया में बहुत लोग करते हैं, तो इसको भी क्या माना जाता है, एक इनटेंजिबल हेरिटेज माना जाता है। अभी आपके बुक में एक चीज नहीं दी गई है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी बता देता हूँ। नवरोज करके एक फेस्टिवल होता है, नवरोज आपने सुना होगा। वो जो फेस्टिवल है वो मोस्टली ईरान, अफगानिस्तान, जो भी इस्लामिक स्टेट्स है वहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। तो इंडिया में जो भी वो कास्ट से या फिर रिलीजन से रिलेटेड लोग हैं, इस्लामिक रिलीजन से, उनके यहाँ पे एक नवरोज करके एक फेस्टिवल होता है, वो भी एक इनटेंजिबल हेरिटेज में इंक्लूड किया गया, क्योंकि वो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में परफॉर्म किया जाता है, ईरान, अफगानिस्तान वगैरह। तो नवरोज जो कि यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया गया है, पर नवरोज भी एक इनटेंजिबल हेरिटेज माना जाता है। तो अभी हम लोग इनके कुछ पिक्चर्स देखेंगे। देखो ये कुट्टियतम, केरला में कुट्टियतम को मैंने क्या बोला था कि यहाँ पे काली माता के बारे में अलग अलग, सॉरी संगम लिटरेचर के बारे में अलग अलग स्टोरीज बताई जाती है बाय एक्टिंग, डांस या फिर सॉन्ग से। तो दिस इज वन ऑफ द पिक्चर ऑफ कुट्टियतम केरला। ओके, द नेक्स्ट वन इज इंडियन ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग। तो ये आप देख सकते हो कि वेदास में जो भी श्लोक्स होते हैं उनको लोग प्रेयर्स में यूज करते हैं, तो इसको वैदिक चैंटिंग बोला जाता है। तो ये एक इंडिया में का ट्रेडिशन है। नेक्स्ट वन इज रामलीला, जो कि आप सबको पता है, रामायण को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। अगर आपको रामायण के बारे में कुछ पता होगा तो यहाँ पे जो पिक्चर है, यहाँ पे भगवान राम क्या कर रहे हैं, रावण को रावण को मारने की मार कोशिश कर दे। रहे हैं। अगर ये पिक्चर देखोगे तो यहाँ पे जटायु करके एक बर्ड था, वो यस क्या कर सर, रहा है, वो चील था रावण वो। को रुका रहा है कि सीता को ना ले जाए। दिस इज रामलीला, मतलब रामायण को स्टोरी फॉर्म में एक्ट किया जाता है। ओके, दिस इज रमन, जो मैंने बोला था कि उत्तराखंड में एक ट्राइब होती है जो अपने भगवान भूमियाल देवता के लिए एक्ट करती है। दिस इज रमन के इमेजेस, दिस इज फ्रॉम उत्तराखंड। दिस इज कालबेलिया, राजस्थान में। ये जो ट्राइब है वो सांपों को पकड़ने का काम करते हैं, इसके लिए वो सांपों के लिए एक फेस्टिवल करते हैं, कालबेलिया। दिस इज चाउ डांस। अभी चाउ डांस में मैंने क्या बोला था कि इंडिया के जो भी अलग अलग माइथोलॉजीज है, रामायण, महाभारत या फिर वेदास में जो भी स्टोरीज होती है, उसको ईस्टर्न इंडिया में क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है डांस फॉर्म से। तो ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स है।
देन मुदियत, मुदियत में मैंने क्या बोला था, काली माता, इसमें काली माता के बारे में अलग अलग स्टोरीज जो है उसको केरला में परफॉर्म किया जाता है। दिस इज बुद्धिस्ट चांटिंग इन लद्दाख, जो भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है उसको पढ़ के यहाँ पे उसको चांट किया जाता है, चांट मतलब उसको प्रेयर किया, प्रेयर में यूज किया जाता है। दीज आर सम इमेजेस। दिस इज सन कीर्तना ऑफ मणिपुर, इसमें मैंने क्या बोला था कि भगवान कृष्णा के बारे में अलग अलग स्टोरीज सिंगिंग से बताई जाती है, मेल फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। दिस इज जंडियाल गुरु पंजाब, जो मैंने बोला था एक अलग ट्राइब है, वो कॉपर और ब्रास के जो यूटेंसिल्स बनाते हैं उनका एक आर्ट फॉर्म। ठीक है, ये लोग कॉपर और ब्रास, ब्रास एक अलॉय है, इनके यूटेंसिल्स बनाते हैं जो कि पंजाब में बहुत यूज होते हैं। दिस इज योगा, यू ऑल नो दैट दिस इज योगा। ओके, सो अभी हम लोग ने जो देखा दैट वॉज